हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल डूइंग वेल आज हम देखेंगे नेक्स्ट टू वीक सिक्सटीन अगस्त से लेकर थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू okay. ओके यहाँ पर तीनों ऑप्शन से मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी ग्रुप नंबर वन फायर कोई वायलिन प्ले कर रही है, माई डेब हम वायलिन बजा रही है ओके एंड बैकग्राउंड में एक फायर है ग्रुप नंबर टू रूलर Okay, group number three, rebel, free split. ओके okay. इन आप एक कार्ड को चूज़ कीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा और ऑप्शन पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ई मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी या फिट आउट कार्ड रिगार्डिंग थैंक यू सो मच पॉजिटिव वाइब्स के साथ चले मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ वेलकम ग्रुप नंबर वन चले देखते हैं नेक्स्ट टू वीक सिक्सटीन अगस्त से लेकर थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके क्या ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में आने जा रही है नेक्स्ट टू वीक में फायर कार्ड आपने चूज की है अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैव का रिगार्डिंग सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पैशन कार्ड आपने चूज किया है जो फायर कोई लेडी जैसे वायलेंट प्ले कर रही माइटर ये एक्चुअल में पैशन क्रिएटिविटी सैकड़ा चक्र की बात करते हैं अपनी क्रिएटिविटी को एनहैंस करने की बात करते हैं हो सकते हैं नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में आप अपनी हॉबीज क्रिएटिविटी को लेकर चर्चा करेंगे जो मेन मैसेज आ रही है यहाँ पर बट इंट्यूशन में कुछ और ही मैसेज दे रही है माइटर ये लड़की किसी को पीठ दिखा रही है चेहरा दिखाई नहीं दे रही है कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे कोई वायलेंट प्ले करें कंटिन्यूअसली वॉचिंग दिस फायर जो फायर जल रहा है एंड एक तांडव दिखाई दे रही है मतलब ये लिखा है पैशन बट एक्चुअल में कार्ड में जैसे दिखाई दे रही कुछ जल रहा है बट उसी में ही जिए जा रही है जैसे बाहर आना चाहते बट फिर भी स्टल उस आ, किसी की मेमोरी हो कोई टॉक्सिक साइकिल आप उसी की घेरे में है कंटिन्यूसली एंड ये नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ की एनर्जी नहीं है ये चल रहा है माई डियर एंड वेरी इंटरेस्टिंग आप उस आग को देख रहे हो एंड कुछ प्ले कर रहे हो माई डेयर जैसे आप किसी के लिए जस्टिस भी चाहते हैं कि उसको जस्टिस मिलें वो जलें मैं जल रही हूँ अब वो भी जलें तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी कुछ स्पेसिफिक मैसेज टेन टू फिफ्टीन परसेंट के लिए मैं जल रही हूँ तुम भी जलो तो so, थोड़ी मुझे थोड़ी रिवेंच की भी एनर्जी एक्स्पायर स्पीक हो रही माई डेयर सो डोंट डू दिस ओके okay. चलिए देखते हैं एंड नाइन डेक्स मैंने इस्तेमाल की है सो आईव ऑलरेडी शफल थैंक यू लेट्स सी मैसेजेस ओके दैट्स एम टी वेल टाइम टू रेप्रिश नंबर सिक्सटीन दिस वेल इज़ कंप्लीटली ड्राई देर इज़ नो वाटर मोर माइट हर अगर आप इस वॉल को मतलब इस कुआ में और पानी नहीं है पुल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है सूख चुकी है अगर आप इस वॉल को इस कुआ को अगर आप बाहर से मरम्मत भी करेंगे क्या फ़ायदा है भी अंदर जो जिस चीज़ के लिए आप मरम्मत कर रही हो वो तो खाली है वो तो नहीं है सो इट्स टाइम टू से गुड बाई इट्स टाइम टू से गुड बाय आई डोंट नो इट इस पर पर्सन और थिंक और एडिक्शन और योर वर्क फील्ड बट समथिंग टाइम आ चुके है आपका टाइम आ चुके है कि आप, आप कह दें गुड बाय ये तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा माइडे यहाँ पर बैठ कर ये बताना बहुत इम्पॉसिबल है कि ये कौन सी चीज़ है बट येस yes, आप बेटर जानते हैं कि इट्स टाइम की से गुड बाय कम्प्लीटली एम टी वेल एंड इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है कि आप यहाँ पर कोई पार, दिस एक्चुअली फायर कोई वाटर नहीं है बट फिर भी आप कॉन्टीन्यूअसली उसको देखे जा रहे कंटिन्यूअसली कि हो सकता है फिर से आ जाए फिर से वो चीज़ें बन जाए फिर से रिकॉन्सुलेशन हो जाए फिर से कुछ चमत्कार हो जाए रनबो हो जाए दिस इज एम टी वेल ई इसमें पानी कभी नहीं आएंगे डियर इट्स टाइम कि आप कोई नई कोई तरीका ढूंढे इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो भी नज़र आ रही है कि आप कंटिन्यूसली कोई वर्क फील्ड में एफर्ट्स डाले जा रही हूँ बट वो काम आपके लिए है ही नहीं एंड अगेन एंड अगेन आप फेलियर ही देख रही हो तो थोड़ी सात आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि जाना कहाँ है डेस्टिनेशन शायद डेस्टिनेशन कुछ और है और आपका ट्रैक कुछ और है तो कंटिन्यूअसली आपका तो एनर्जी इन वे नहीं होगा टोटली वेस्ट ही होगा माइंड डियर बिकॉज इज एम ट्यूब वेल क्या करेंगे खोद कर उसको पानी तो निकलेगा नहीं थैंक यू माइ स्प्रेड कार्ड इवन कोई मेमोरी भी हो माइटियर जो मेमोरी आपको एक वेल की जैसे एम टी वोल बना देते हैं से गुड बाय थैंक यू नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में वो कोशिश ज़रूर कीजिए आपकी एनर्जी से वो आ रही है माइटियर लेट्स सी थैंक यू ओके कार्ड उछल कर आ रही है थैंक यू दिस इज सटन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ में एंड आई एम वेरी श्योर कि आप देखना पसंद नहीं करते एंड कोई भी नहीं सैटन एनर्जी बट लिब्रा uh, के लिए टॉरस के लिए क्यूरियस कैप्लीकाउन के लिए सैटन बहुत योग कर एंड पर्टिकुलरली टोरस एंड लिब्रा के लिए बहुत ही योग कारक प्लानट होते हैं एंड सैटन लिब्रा के लिए खासकर टॉरस के लिए सब कुछ दिलाने वाले होते हैं अगर सैटन त्रिकोण में हो केंद्र में हो लग्न में हो ये थोड़े डिले करते हैं माइडिया मुझे लगता है आप शनि से प्रभावित हैं इवन अभी तो कैप्लीकॉन में साढ़े साथी चल रही है एक्स की तो आने जा रही है साढ़े साथी तो आखिरी ढैया सज्रेस सा, की चल रही है तो यहाँ पर कुछ साइन की जैसे कुछ फेजेस चल रही है जिसकी वजह से भी ये एम टी वेल आ रही है माई डियर एंड सैटन एनर्जी ट्राई 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 एक बार में चीज़ें होता नहीं है तो वो भी मुझे दिखाई दे रही है माई डिया बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में ना एनर्जी में मुझे थोड़ी ड्रेंड बर्न आउट एनर्जी आ रही है बिकॉज आप इसको खोद रही हो कंटिन्यूअसली डियर, आई डोंट नो आई डू फील कि आप कंटिन्यूसली इसी की तरफ यू नो वाटर लेकर आप जैसे थोड़ी थोड़ी कर कर अगर पानी डाला जाए वेल में तो एक दिन शायद भर कर आएंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल थैंक यू मस्प्रेड का थैंक यू बट ये सैटर्न से आप काफ़ी प्रभावित एनर्जी है पाइल नंबर वन लग्न में हूँ फिर तो कहना ही नहीं है मतलब सेवेंथ हाउस लग्न और इलेवेंथ हाउस कहना ही नहीं इवन फोर्थ हाउस लग्न पर अगर किसी कारणवश दृष्टि डाल रही है तो ये डेफिनेटली आपका एक पास कर्म है अगर शनि योग कारक नहीं है लेट सीम दिस इज स्पाइसिसन एंड पाइसिस दिस इज इमोशनल विथ फेजेस ओके नेक्स्ट 15 डेज़ में सैटन एंड पाइसिस एनर्जी मुझे लगता है आप बहुत कुछ लडको करेंगे माय डियर डोंट वरी मैं आपको यहाँ पर वो मैसेज नहीं दे रही हूँ कि आप डिमोटिवेट हो जाए माय डियर बट येस ये चल रही है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये नहीं बता सकती कि नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ में आपके लिए रेनबो निकल आएंगे वो स्प्रेड नहीं है यहाँ पर अगर आप इसको देखने के लिए आप uh, मेरे चैनल पे है दिस इज नॉट योर पायल एंड दिस इज नॉट योर चैनल ओके दिस इज सेटन एंड पाइसिस एक्चुअली एट ऑफ कप्स एनर्जी इज इमोशनल विथ फेजेस कम्प्लीटली एट ऑफ कप्स यहाँ पर उदासीनता है अपसेट एनर्जी है एंड पाइसिस एनर्जी आ रही है एंड कंटिन्यूसली आपकी ध्यान धीरे धीरे यहाँ पर हटेंगे क्योंकि वो प्रोसेस चलना शुरू हो चुकी है मुझे लग रही है कि आप राउंड से बाहर निकलेंगे दिस इज लाइक ए एक स्टक इन माउंड एंड धीरे धीरे आप uh, मतलब उस राउंड से उस चक्रव्यू से अब बाहर आ रही है एंड पाइसिस के बाद दिस इज द ट्वेल्थ अल्टीमेट हाउस एंड अबाथ चार्ट में तो दैट वुल बी ए फर्स्ट हाउस अगेन जब वो साइकिल रिपीट होगा तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगेनिंग से आ रही है बट नाउ आई फील की थोड़ी इमोशनल वही ट्रेल्व फेजेसा चल रही है आध्यात्मिक की और आपकी झुकाव दिखाई दे रही है जिससे पाइसिस ना जाए सैटन जब पाइसिस में होते हैं गुरु मिल जाए गुरु बथ गुरु मिल जाए कोई मंत्र हो उसको मेडिटेशन करे उसको लेकर चर्चा करे पर्टिकुलरली एंडसेंट स्क्रिप्चर्स पढ़े ये सैटन पाइसिस की ये जो कॉम्बिनेशन आई है ये स्ट्रोंग होते माइंड हेर बट आपकी घर की हालत जिस घर में आप वास करते उस जगह पर भी मुझे थोड़ी कला का वातावरण कारण ले शायद चल रही है सी, थैंक यू माठा आपने सेक्रीफाइस लाइफ में बहुत की है लर्निंग द ट्रांसीडेंट नेचर ऑफ सर्विस टू वन सेल्फ और ए कॉज एंड एडिक्शन टू सेल्फ पिटी यस थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी भी लाइफ में मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी बिकॉज आपने बहुत कुछ किया है माय डियर जैसे दैस वाई मैं आपको बोल एनर्जी इज ड्रेन डिहाइड्रेटेड बिकॉज अब अब जब आप अपने लिए कुछ करने जा रहे हो ना तो जो सामग्री मौजूद है वो बहुत कम है आपके लिए आई डोंट नो हाउ कैन आ से माई डियर जैसे किसी ने शोक लिया है लाइफ फोर्स को थैंक यू मस्ट फ्रेड काय थैंक यू आपने बहुत कुछ किया है साथ लोगों के लिए माई डियर सर्विस यस आई फील गुड वेन आई कैन हेल्प अदर्स एंड आप वो पर्सन है दिस इज पाइसिस एनर्जी कुछ कर कर जाए समाज के लिए कल्याण कुछ समाज कल्याण कर करने की एक भावना इवन आपकी नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में भी वो एनर्जी आ सर्विस एंड मार्ट आयर वो सामने वाला फीडबैक दे ना दे आप मदद जरूर करेंगे इवन सड़क में भी अगर आ, आप नहीं जानते उस पर्सन को फिर भी हम मदद करेंगे ये एनर्जी में आ रही माइडियर क्या मदद करेंगे उनकी एंड शायद ये आपका नेचर है थैंक यू दिस इज़ कन्वर्सेशन एक फैमिली कन्वर्सेशन विजिटर्स दिखाई दे रही है विजिटर्स नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में एंड वाइफ विथ चाइल्ड वाइफ विथ चाइल्ड बट वाइफ के हाथ में कुछ लेटर वगैरह है तो ओके okay, तो मैरिज को लेकर घर में बात हो सकती है कन्वर्सेशन ऑन वाइफ कार्ड आई है घर में विजिटर्स आ सकते हैं बट पर्टिकुलरली मैरिज बटे वेल वेलकम विजिटर्स ओके बिन बुलाए मेहमान नहीं है वेल वेलकम विजिटर्स नजर आ रही है ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे विजिटर्स की वजह से बिकॉज ये इन्वाइटेड किया गया है या फिर इन्वाइटेड है दे और Uh, आप इन्वाइटेड रहे मतलब कि कोई आपको इन्वाइट करे कोई पार्टी फंक्शन में बिकॉज हियर इज़ अ गैदरिंग सेयर कोई यूनियन फैमिली यूनियन भी हो सकती है नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ में बट हियर इज़ अ वाइफ इज़ अ मेन फीमेल हियर कुड बी यू और योर वाइफ और अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं स्टिल यहाँ पर मैरिज को लेकर बातचीत हो सकती है या फिर कोई पर्सन आपको टिकट कर सकते हैं इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो कोई पर्सन आपको टिकट कर सकते हैं कि uh, वो पर्सन मेरी वाइफ एक मैडज मटेरियल के जैसे देखना ओके थैंक यू थैंक यू मस्ट स्प्रेड कार्ड लेट्स सी क्लैरिटी ऑफ बिलीफ फर्स्ट कार्ड इज ऑफ शॉर्ट सिनर्जी ओके थैंक यू सो मच स्प्रेड कार्ड थैंक यू हेल्पलेस होपलेस दिस इज द एट ऑफ कप्स सिनर्जी मैं बोल्ड है थी आपको शायद ज uh, yes, मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज ट्रेडिशनल में दिस इज एट ऑफ कप्स एंड ए कार्ड आई है माई डियर एट ऑफ कप्स इंटरेस्टिंग डोंट वरी डेडिकेटेड एफर्ट्स एट एट एनर्जी ओ माई गॉड दिस इज ह्यूज सैटन एनर्जी एंड सर्टन प्लान भी आपकी आई है ओके दिस इज डेडिकेटेड एफर्ट एंड होपलेस हेवलेस किसी जगह पर आपकी तो काम चल रही है माई डिया बट कंटिन्यूसली बट अभी तक उसका वो सक्सेस आपको दिखाई नहीं दे रहा आप ट्राई करते जा रहे हो ट्राई करते जा रहे हो हो सकता है कि आप अभी करंट टाइम फ्रेम में फेलियर देख रही हूँ बट स्प्रेड गाइड आपको कह रही है क्लैरिटी ऑफ ब्ली बहुत जल्दी आपके लाइफ में वो क्लाउड्स सटेंगे बारिश होगा माइट आसमान के लिए भी क्लाउड्स बहुत भार क्रिएट करते हैं एक ही फील करा, कराते हैं बारिश हो जाते हैं एक प्योरीफिकेशन होते हैं भार से मुक्त होते हैं तो ये फेजेस आपकी लाइफ में बहुत देर तक टिकेंगे नहीं डियर ये ख़त्म होने ही जा रही है टल जाएंगे खतरा माइडियर रेस्ट्रेश बट अभी आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेंड एग्जॉस्टेड टायर्ड एनर्जी नज़र आ रही है ओके okay? मैं टार्ड टायर्ड नहीं कहूँगी एग्जॉस्टेड बट इट्स एक्चुअली फिर ड्रेनड एनर्जी वेरी ड्राई एनर्जी ड्राई कोल्ड कोल्ड से भी ड्राई होते हैं और एक होते हैं थैंक यू लेके दिस इज अर्पर फाइन द वर्ड्स टू लॉन्ग फॉर गटन सॉन्ग डांस टू द म्यूजिक इन योर सोल ओके म्यूजिक यस दिस इज़ अ वायलिन फायर म्यूजिक एनर्जी एंड अगेन अगेन इज अ म्यूज़िक बट यहाँ पर जो मैसेज आ रही है कि आप अपने धुन में मगन रहे ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है माई डियर लोग लोगों के लिए कीजिए बिकॉज आप कंटिन्यूअसली आप कर रही है बट कुछ अपने लीजिए की, अपने लिए कीजिए बिकॉज और अगर इस तरह से आप करते रहेंगे ना एक टाइम पे सच में आप खुद ही एक एमटे वेल well बन जाएंगे माइट डियर तो अब कुछ बचेगा ही नहीं तो अभी से शुरू कीजिए कुछ चीज़ों को गैदर करना अपने लिए कुछ कीजिए माइट डियर अपने धुन में मगन रहना अपने वो कहते हैं ना कि अपने सॉन्ग क्या शब्द है मुझे वो वो परफेक्ट स्टेटमेंट भी याद नहीं आ रही अपने धुन में मगन रहना यस जैसे सिंग योर ओन सॉन्ग सिंग योर ओन सॉन्ग यस दैट्स द स्टेटमेंट सिंग योर ओन सॉन्ग दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट जो आपको पसंद है लोगों को शायद पसंद नहीं है डजेंट मैटर दिल चाहते हैं रब चाहते हैं आपका दिल चाहते हैं तो वो रब चाहते हैं डियर ओके okay? थैंक यू मस्प्रेट का नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में मुझे थोड़ी दिल की चाहत में कुछ करने की uh, मतलब इच्छा है और उसको पूर्ति भी आप करेंगे वो करेंगे भी माई डियर एंड बहुत टाइम से आप क्लोज डोर की ओर देख रही है मुझे कंटिन्यूसली वो वाइब्स आ रही है पर्सनल रिचेस स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ बिगर वर्ंड्स आर ऑन द वे फाइनेंसेस वम्प्रूव ड्रामेटिकली बट एवॉड गेट रिच स्कीम ओके शॉर्ट टर्म शॉर्ट कार्ट वे का इस्तेमाल करना आपके लिए नहीं है आपके लिए स्टेयर केसेस है मुझे यहाँ पर स्टेयर केसेस दिखाई दे रहे हैं वही जीवन है जो स्क्लेटर या फिर लिफ्ट पकड़ते हैं ना सक्सेस की वो गिरेंगे भी माई डियर बट दिस इज स्मॉल सक्सेस अभी करंट टाइम फ्रेम में आपको छोटी छोटी सक्सेस दिखाई दे रही है वेरी लिटिल वेरी स्मॉल स्पीड गाइड के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिगर वॉन्ट्स आर ऑन द वे ओके सो डोंट वरी बट येस फाइनेंस भी ड्रामेटिकली चेंज होगा बट कोई रिस्क स्कीम अवॉइड करे माई डियर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में दस स्वाइ में आपको बोल रही थी बर्न आउट

न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन एक uh, सब uh, एक प्रॉपर रेशियो में वो फैट हो वो प्रोटीन हो वो सब कुछ एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए जैसे आपकी बॉडी में वो नहीं है डियर फाइव सेंसेस में से एक सेंसेस आपकी कमजोर हो रही है दिस इज आई एम ऑलवेज गुड इनफ लाइट हाउस डोंट डाउट योर वर्थ कैस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैसे मैं आपको बोल रही थी कि एम टी वर्ल्ड की तरफ मत देखिए आप जो है बेस्ट है परफेक्ट है थैंक यू स्प्रेड कार्ड दिस इज़ गोल्ड यस यू डोंट नीड एल्स टू फिक्स यू आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं आप क्या करेंगे माइंड हेयर आप खुद एक जेम है एक रत्न है एंड बिलीव कीजिए माइड हेयर योर एनर्जी सो प्लीस एड सो एक्सपेंसिव किसी की अप्रूवल की किसी की परमिशन की ज़रूरत आपको नहीं है बिकॉज ऑफ मॉटर सेक्रीफाइस की एनर्जी आ रही है कि पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे फीडबैक नहीं मिला आपने पूरी मेहनत की प्रेजेंटेशन कोई और करा है सो डोंट डो दिस माइंड एंड अपने लिए कुछ कीजिए नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में यू आर गुड एनाफ थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू हेलो ग्रुप नंबर टू वेलकम चलिए देखते हैं नेक्स्ट टू वीक सिक्सटीन अगस्त से लेकर थर्टी फर्स्ट आपके लिए क्या ब्लेसिंग साढ़ी है अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग ओके दिस इज रूलर लीडरशिप एक कार्ट जंप होकर आपकी ऑप्शन के लिए आई थी माइट हेयर एंड मुझे यहाँ पर एक क्राउन दिखाई दे रही है क्राउन बिकॉज एंड थ्री ड्रैगन हेयर ड्रैगन इज़ ऑल अबाउट फैशन एंड ड्रैगन रूलर भी है माइट हेयर ड्रैगन ड्रैगन बहुत ऑस्पिशियस एक सिम्बल भी कहा जाते हैं बट दिस इज एक्चुअली कार्ड रूलर लीडरशिप जो लीड करने की अपने पावर को रिक्लेम करने की बात करते हैं इट्स ओक हैं बट इंट्यूशन में कुछ और मैसेज आ रही हैं ये एक्चुअल में ये एनर्जी बनना चाहते हैं लीडर और रूलर माय डियर अभी भी ये जैसे सरफेस लेवल पे हैं पूरी तरह से जैसे वो कंप्लीट uh, नहीं हुई है प्रोसेस बिकॉज दिस एनर्जी इज़ वेरी अपसेट वेरी अपसेट एनर्जी रूलर होने के बावजूद भी uh, इस चेहरे में वो वो एनर्जी मौजूद नहीं है जो एक किंग और क्वीन की होना चाहिए फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड और अपसेट ओके लेट सी नेक्स्ट फिफ्टीन डेज एंड आई हैव यूज नाइन डेक्स सो आई हैव ऑलरेडी शफल सी एनर्जी ओके दिस इज एक्चुअली ट्रांस पर्सनल वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक लायन की कुछ शर्ट दिखाई दे रही है लाइन के एक फेस दिखाई दे रही है एंड टॉप में एक क्लियर क्वार्स दिखाई दे रही है एंड सनसेट हो रही है दिस इज नॉट ए सनराइज एक्चुअली एक कार्ड की जो मीनिंग है स्टॉप डूइंग पॉज गेट ऑफ द ट्रेड मील एंड टेक ए डीप एथ माइट हर जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं सो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज के लिए उसके लिए वेट कीजिए माइट हेयर हो सकते कोई कोई प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपको डिसीशन लेने में जहाँ पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है आपको डिसीशन लेने में मदद हो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवेल होगा आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है दस लोगों के बीच डोंट इंगेज विद द एक्शन हैपनिंग अराउंड यू सिंपली ऑब्जर्व और एक लिसनर की भूमिका निभाना है आपको माई डियर बिकॉज यहाँ पर जैसे सनसेट हो रही माई डियर एंड वेरी इंटरेस्टिंग सनसेट हो रही है बट बिकॉज ऑफ क्लियर क्वर्च ये इतना वाइब्रेंट है कि सनसेट हो रही वो समझ नहीं आ रही है तो दैट्स वाई ऑल दैट ग्लिटर सन नाट गोल्ड सनसेट हो चुकी है या फिर होने जा रही है बिकॉज अ क्लियर कर्ज इस पर्वत के टॉप पीक पर है तो इतना चमक रही है एंड वो सनसेट की रोशनी की वजह से वो चमकाट वो चमकने की वो एनर्जी आ रही है बट कुछ लोग इल्यूशन में आ सकते हैं कि शायद सनसेट हुआ नहीं अब तक भ्रम एल्यूशन सो यहाँ पर जो ज़रूरी है मुझे लगता है बहुत टाइम से कोई चीज़ों पर आपको अगर क्लैरिटी नहीं है बहुत जल्दी पर्टिकुलरली इवनिंग स्काई में जैसे सूर्य ढलने जा रही है इवनिंग टाइम फ्रेम मुझे थोड़ी इवनिंग टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में एंड बहुत टाइम से ना आपने किसी किसी कुछ लोगों की बर्ताव को बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश किया है बदलने की कोशिश करा है और उनका एक्शन का रिजल्ट आपको मिला है डेफिनेटली पॉजिटिवली नहीं ऐसा नहीं कि तपस्या उनका है रिवॉर्ड आपको मिले हैं नो 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 नेगेटिवली मन कंप्लीटली ऑपोजिट उन्होंने कुछ कर्म किया है वो फल नेगेटिवली आपको भोगना पड़ा है तो स्पीड गाइड आपको क्योंकि ट्रांसपर्सनल उनको उनके फल भोगने दीजिए आप लिसनर रहिए ऑब्जर्वर रहिए माई डियर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में एंड टॉकलेस ऑब्जर्व और लिसन मोर इन्फॉर्मेशन आएंगे ओके लस्सी माई डियर थैंक यू एंड गेट ऑफ द ट्रेडमिल माई डियर थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है आपको जैसे लस्सी थैंक यू सो मच ब्रीट गाइड ओके ओ दिस एक्यूरियस दिस इज इलेवेंथ हाउस इंफॉर्मेशन ऑन इनके फ्रेंडशिप एनर्जी वैसे एक्यूरियस uh, एनर्जी में लाभ की एनर्जी होते हैं इलेवेंथ हाउस से लाभ का भाव है माइट डियर बट कॉन्टैक्ट्स बोलना पर्टिकुलरली मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कुछ एक्शन ना करें ऑटोमेटिकली कुछ चीजें एफर्टलेसली आने जा रही है माइट डियर थैंक यू कुछ अनकन्वेंशनल um, कुछ मतलब बहुत प्रडिक्टेबल है ऐसा नहीं है कुछ समथिंग इज हिडन टिल नाउ बिकॉज ऑफ क्लियर क्वार्ज और जो सन सेट हो रही वो दिखाई नहीं दे रही है गाइड अभी भी आपकी पाल में कुछ हाइड करे माइडिया समथिंग इज हिडन टिल नाउ समथिंग इज हिडन टिल नाउ लेट्स सी कैंसर वाह फोर्थ हाउस एनर्जी एक्चुअल में कंफर्ट्स है माइडिया माँ का आँचल है आपका वास आप जहाँ पर मतलब रहते हैं माइडिया दिस इज योर फोर्थ हाउस घर यहाँ पर घर डेकोरेट करने के लिए आप कुछ खरीदारी करेंगे मुझे नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ में घर के डेकोरेशन के लिए घर के लिए प्रॉपरली एंड यहाँ पर आपकी कैरियर में मुझे गति नज़र आ रही है बट प्लीज़ अभी बहुत एबडप्ट uh, कोई एक्शन ना लें मुझे एनर्जी में पैसिव एनर्जी आ रही है माँ क्या कहती है आपकी मदर उनके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए समझ नहीं आ रही है मदर और बीवी आई मीन सिस्टर वाइफ आपकी कोई फीमेल फ्रेंड कोई फीमेल की मदद लीजिए इवन मेल आर वाचिंग दिस वीडियो और कोई मेल फीमेल अगर आप फीमेल हैं मदर की आपकी एल्डर सिस्टर की सिस्टर की जैसे उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है डियर उनके थ्रू से कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है थैंक यू सी अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है फिर भी आपको लेना है डिसीशन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में ही बस ये थैंक यू मस्ट पेट गाइड थैंक यू मेन एनर्जी देखते हैं चाइल्ड डिवाइन इनोशन प्योरिटी रिटेम्पन सजेस्ट ए स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन, सजेस्ट ए स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन लिटरली आप डिवाइनली गाइडेड है डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड है माई डियर एंड सभी स्प्रिट की बहुत प्रिय है माय डियर बट आपके साथ इन दिनों स्प्रिट की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है डियर दिस इज द फोर्थ हाउस एंड रूलर हमें अगेन आपको बोल रहे थे नाट रूलर की बात बोल रही बट एक उदासीनता है एक उदास होकर जैसे वो फुल मून की ओर देख रहा है जैसे मून इट्स अ कैंसर एनर्जी मून एनर्जी तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता दिखाई दे रही है एंड अगर आप ऑथेंटिक वे पे आप कॉल करते हैं मदद ले मदद के लिए आप आक्स करते हैं पूछते हैं कोई क्वेश्चन विद इन फोर्टी एट आवर्स आपको कोई साइन स्प्रेड गाइड नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में भेजेंगे अगर आप ऑथेंटिक वे में करते हैं पूछते हैं माई ढेर एंड आप हमेशा ही आप वो पर्सन हैं वो एनर्जी है माई ढेर इट्स अ वेरी प्योर वेरी नोशन सन यस दिस इज यहाँ पर भी एक लायन की एनर्जी आई थी एंड लूडर आई मीन रूलर एंड लीडर जो एनर्जी होती है नो डाउट इज़ अ वेरी सन काइंड ऑफ एनर्जी मार्स सेनापति है बट सन इज एक्चुअल में लीडर तो यहाँ पर सन सन प्लानट या तो फिर आपकी बातचार में सटबल में बली हो सकता है सन मून दोनों ही पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा में में आपका जन्म हुआ है या फिर शुक्ल पक्ष में पक्ष बल से बली होना चंद्रमा के लिए बहुत जरूरी होती है चार्ट में सी याद रखिए चार्ट में सन मून लग्न लग्ने चार पिलर हैं ये चार पिलर की जैसे हैं लेट्स सी मर्चेंट ये बिजनेस की एनर्जी आ रही है बिजनेस मर्चेंट आप कोशिश कर ओ दिस इज ट्रांसपर्सनल एंड मर्चेंट उसके नीचे ही मर्चेंट कार्ड आई है कुछ अ, कुछ आप अप, अपने लिए कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकते हैं बट स्प्रेड गाइड आपको कह रही है कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लो क्या नेम प्लेट uh, होगा कहाँ करेंगे सब कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन क्या uh, किस टॉपिक या फिर कौन सी uh, चीज़ के ऊपर ही वो बिजनेस होगा जैसे उस पर थोड़ी और नॉलेज की ज़रूरत है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आएंगे यस yes. कुछ इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर दिस कंटिन्यूअसली जैसे बीच की ओर देख रही हो सीप आएँगे सीप इट्स मीन्स इन्फॉर्मेशन ओके इंटरेस्टिंग नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ में इंफॉमेशन तो स्ट्रांगली मुझे नजर आ रही है माइटेयर एंड दिस इज़ ए फ्रेंड ओ ओ दिस इज़ एक्वरस एंड फ्रेंड इलेवेंथ हाउस में आपको बोल रही थी फ्रेंडशिप एनर्जी है कॉन्टैक्ट की एनर्जी है कोई मदद आ सकते हैं माइट ही या फिर कोई फ्रेंड यहाँ पर कोई ना कोई एंड फीमेल हीचुअल में इस पिक्चर में भी एक फ़ीमेल ही दिखाई दे रही है जिनके हाथ में बुके है बुके है इन्विटेशन और क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एलेवेंथ हाउस इन्विटेशन ओके लस्सी सेल्फ एस्टीम, यस आई पॉजिज गिफ्ट्स ऑफ द सोल्ड दैट बेनिफिट मी एंड अदर सेल्फ एस्टीम में भी सन का ऊर्जा होता है माई डेयर सन अगेन एक रक्षण भी करते हैं वो शत्रुनाश भी करते हैं तो आप में चैरिटेबल एनर्जी भी होगा बट मतलब आ, सन को इस तरह से समझिए कि अगर बहुत तकलीफ भी हो रही है ऐसी सिचुएशन में आप है आपकी सन बहुत सटभर में बली है बट आप ना हमेशा एक कॉन्फिडेंट दिखाएंगे सामने वाले को इवन मार्स तो कहना ही नहीं वो तो और भी रहते कॉन्फिडेंट बट मार्स की एक दिक्कत होती है मार्स की एनर्जी में उनकी जुबान में जो है भाई पेट में भी वही है डियर बट सन की एनर्जी सन थोड़ी मॉडिफाई करते हैं अपनी इमोशंस को कि सामने वाले को कितना बताना चाहिए स्विच के जैसे हैं कितना बताएंगे कितना पेट के अंदर रखेंगे भीतर रखेंगे वो थोड़ा वो सन की एनर्जी में वो मॉडिफिकेशन चलते बट मार्स की नो 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 एकदम से गुस्सा हो इमोशंस हो सब कुछ एकदम बाहर निकल कर आते हैं एकदम यू नो एक, uh, you know, uh, एक वाटरफॉल के जैसे इट्स नॉट वाटरफॉल फायरफॉल फायर फॉल माइटर तो ये उस टाइप से इमोशंस भी उसी तरह से आते हैं मार्स के ऊर्जा में मतलब वाइल्ड हो जाते हैं वो इमोशंस में इवन सेक्सुअल केमिस्ट्री में भी मतलब सन इज़ वेरी सॉफ्ट बट मार्स इज वेरी वाइल्ड बट दिस इज़ एक्चुअली सन सन टाइप एनर्जी सन मून इज़ वेरी स्ट्रोंग प्लानट लेट्स डेज में मूनस ये एक्चुअल में किसी के साढ़े साथ चल रही है या फिर विष योग अमावश्य योग है मुझे आपकी पाल देखकर पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा पक्ष बल से बली चंद्रमा आ रही थी हो सकता है क्योंकि सन मून दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लान नज़र आने यहाँ पर लिटरली एक न्यू मून एनर्जी का एनर्जी आ रही है नाइन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ओवर थिंक करेंगे नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में दैस वो बोले थे एक्शन मत लीजिए क्योंकि जब हम एक्शन लेते हैं तब हम श्योर फुटेड है मतलब आई एम श्योर फुटेड कि उस चीज़ को ही मुझे करना है पर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज़ में आप बहुत सोचेंगे इन्फॉर्मेशन लेंगे क्लैरिटी लेंगे माइड हेयर ओके दिस इज डिटैच नंबर एलेवन इट्स एक्चुअल में लाइक कोई पास्ट कोई एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं like इस लाइक स्नोई खोल्ड डिटैच एनर्जी इस वृक्ष में एक भी पत्ते नहीं है माइड हेयर एंड धीरे धीरे आप उस एनर्जी से मतलब कमिंग फ्रॉम केव एंड लंबी टाइम से किसी चीज़ को लेकर डिटैचमेंट भी नजर आ रही है माई मैं आपको इसीलिए बोल रही थी एनर्जी में मुझे उदासीनता दिखाई दे रही है डर दिखाई दे रही है भई दिखाई दे रही है फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी वाइब्स आ रही है बट फिर भी आप सरेंडर कर रही हो डियर एक पीजियन को देखते हुए मुझे नजर आ रहा है आप धीरे धीरे सरेंडर करना सीख रही हो सरेंडर कर भी रही हो माई डियर एंड दिस इज गिविंग एन रिसीविंग डेफिनेटली आप सरेंडर कीजिए एंड आपको जीवन में सब कुछ मिलने जा रही है माई दिस इज सिक्स ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी बहुत सारे हाथ जो जैसे ब्लेसिंग्स दे रही है आपको इसको भी अनसेस्ट स्प्रेड गाइड एंड यू नो इट्स अ रेयर गिफ्ट्स यू हैव यू हैव अ रेयर गिफ्ट्स माइड हेयर इट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्परिचुअल गिफ्ट्स यू हैव बट गिविंग एंड रिसिविंग मुझे थोड़ी यहाँ पर इन्विटेशन वगैरह हो स बुके की भी एनर्जी आ रही है आपका बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी आप दे या फिर कोई आपको दे थोड़ी इंफॉर्मेशन आएंगे एंड आप रिसीव करेंगे आप रिसेप्टिव रहिए माई डियर ओके एंड बी रिसेप्टिव थैंक यू मस्ट पेट लेट्स सी दिस इज थिंबल विच द थिंबल विच देर इज अ मैजिक इन बिगिनिंग सो स्टार्ट समथिंग न्यू देर इज देर इज मैजिक इन बिगिनिंग सो स्टार्ट समथिंग न्यू न्यू दिस इज अ मर्चेंट एंड ट्रांस आप कुछ नई कुछ स्टार्ट करने की कोशिश में है या फिर कुछ लाइफ स्टाइल हो कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम हो कुछ ज्वाइन करना चाहते कोई ग्रुप में कुछ पेज बनाना चाहते हैं कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं डियर कुछ नई ढंग से कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी ब्लू प्रिंट एंड उसकी पूरी आ, जो डायग्राम है उसको बनाएंगे नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम ये टाइम फ्रेम है ब्लू प्रिंट बनाने की प्लान करने की डियर एग्जीक्यूट आप नेक्स्ट मंथ पे जाकर कर सकते हैं लेट्स सी फॉर्चून मैसेज फॉर यू रिफ्लेक्शन फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड एंड अदर्स कुड ब्लूजुम एंड बिकम स्ट्रॉगर ओके रिफ्लेक्शन इज अ मून एनर्जी माई डियर एंड हियर इज़ जैसे आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप हो कोई रिलेशनशिप हो वो एंड हो चुकी है एक नई फ्रेंडशिप नई एनर्जी ब्लूजुम हो रही है कुछ डिफरेंट एनर्जी ब्लूजूम हो रही है आप कुछ नई कुछ कंटिन्यूअसली जैसे आपकी कुछ तरीका बदल रही हो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई चैनल है खाना बनाने की कुकिंग की तो आप एक प्रोसेस में चीज़ें करते थे बट आप, आप ना डिफरेंट वे का इस्तेमाल करे कुछ नए कुछ इंक्लूड करे हो आपकी आ, पेंटिंग का कोई चैनल है आप पेंटिंग का कोई आप कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं आप कुछ नई चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो आपको समझ आ रही है इट्स समथिंग न्यू कुछ मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन फिल्ट्रेशन हो रही है फिल्ट्रेशन के बाद जो नेगेटिविटी वो रिलीज़ हो जाएंगे दिस इज अचीवमेंट इन्जॉय द लाइम लाइट यू हैव ऑन इट ऑल द ऑन द फैमिली फ्रॉम सम ओन्स हेल्थ कुड कॉज समेट वॉड इज स्लीपलेस नाइट स्लीपलेस नाइट दैट्स वाई दिस इज अन ऑफ शॉर्ट स्लीपलेस नाइट की बात करते हैं एंगजाइटी इशू की बात करते हैं बट अचीवमेंट दिखाई दे रही है वो मुझे एंड में दिखाई दे रही है वो uh, आपके एकदम मंथ की एंड में जाकर वो कुछ अचीवमेंट आपको मिल सकती है बट हेल्थ का ध्यान दीजिए एंड पर्टिकुलर आपकी मदर का हेल्थ का ध्यान दीजिए उनकी तबीयत नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में थोड़ी आप उसका केयर कीजिए माई डियर मुझे लगता लगते आपकी uh, आप टेक केयर करें माई डियर इवन आपकी मेंटल हेल्थ का एंड उनका फिजिकल हेल्थ का ओके थैंक यू लेट्स सी मुझे मदर एनर्जी आ रही है लेट्स सी कोई महिला भी हो सकते हैं माई डियर इट कुड बी सिस्टर इन लॉ सिस्टर एल्डर सिस्टर ओके इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस इट कम ओ माई गॉड का इस इनके चेहरे को देखिए एकदम से कितना उदास बैठिए अकेले एंड ट्राई एंड ट्राई करते जा रहे बड़े चीज़ें मिल नहीं रही इट्स कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस प्लीज गाइड आपको कह रही है माई डियर आएँगे आएँगे माई डेयर की थोड़ी पेशेंस रखिए यहाँ पर शायद स्पीड गाइड कह रही है और नॉलेज की ज़रूरत है आप लीडर बनेंगे एक दिन वो क्वालिटी है आपने वो पोटेंशियल है आपने माई डेयर खैसल इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेर इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वेयर दर स्वयं में आपको बोली थी कि पार्टिसिपेट पार्टिसिपेशन के समय नहीं है इट्स टाइम फॉर हीलिंग ब्रेक आप एक ब्रेक की समय है इट्स एक्चुअल एक शॉर्ट नैप की समय है माई डेयर टाइम टू टाइम जैसे अगर बहुत टाइम से एक, एक ही काम करते हैं थोड़ी उठीए है. एक डेढ़ घंटे के बाद बाद आपको थोड़ी जैसे एक नैप की ज़रूरत है या फिर थोड़ी ब्रेक की जरूरत है ओके okay, आपकी डेली रूटीन में वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस यू ग्रुप नंबर थ्री वेलकम चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक सिक्सटीन अगस्त से लेकर थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से एंड ई मेल और इंस्टाग्राम के थ्रू से हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर थ्री आपने फ्री स्प्रिट और रेवल कार्ड चूज किए हैं बट वेरी इंटरेस्टिंग एक कार्ड फ्री स्पिरिट की बात करते हैं रिविल की बात करते हैं इस तो वेरी कॉन्फिडेंट वेरी बोल्ड फियरलेस कंपिटेटिव एनर्जी की बात करते हैं अपनी पावर को रिक्लेम करने की बात करते हैं बट दिस एंजल सिटिंग ऑन ए क्रिसन मून क्रिसन मून यू वॉन्ट टू रिलीज समथिंग आप कुछ रिलीज करना चाहते हैं बट कंटिन्यूसली उस एनर्जी के साथ ही जिए जा रहे हैं डियर ये एनर्जी जो है क्रिसन मून की एनर्जी में आ, मुझे एक ओवर थिंक करने की एनर्जी आ रही है और यू आर ए सिक्रेट एडमारर आप कोई सीक्रेट देखते हो कहीं ज़्यादा आपकी एनर्जी में मुझे सिक्रेट एडमारर की एनर्जी आ रही है चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं थैंक यू मस पेट गाइड एंड आप आप में मैस्कुलर एनर्जी आना चाहिए माइट डियर मुझे यहाँ पर इवेन इव, इव, आप फीमेल हैं तो मैस्कुलर एनर्जी और वाइब्रेंट होना चाहिए आप में थैंक यू मस्ट इवेन आप अगर मेल भी इस वीडियो को देख रहे हो आप में भी मैस्कुलर एनर्जी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है थैंक यू बैलेंस नहीं है एनर्जी लेस सी नेक्स्ट टू वीक एनर्जी फॉलोइ एंजल स्पिरिचुलार्कोलेप्सी वो दिस नंबर नाइनटीन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड जब मैं इस क्रिशन मून को देख रही थी नार्कोलेप्सी मीन्स एंड दिस इज ए दिस अ टाइम दिस इज नॉट ए प्रॉपर टाइम फॉर यू बींग स्लीपी और अनकन्स बिकॉज नार्कोलेप्सी में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक नशा की एनर्जी होती है वेरी स्लीपी एनर्जी होती है एंड फॉलोइंग एंजल की एनर्जी आ रही है जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में आपको पता चले कि आपकी दो सेल्फ प्लेजर इट्स नॉट एंटरटेनमेंट सेल्फ प्लेजर रिगार्डिंग कुछ कर रही है आपका भी मन हो रहा है कि आप भी करें बट स्प्रिड गार्ड आपको कह रही है कि उस वो चाहते हैं दैट्स वाई आप भी उसी के जैसे करेंगे उसी स्रोत में ना चले माय डियर आपका डायरेक्शन ऑपोजिट है आपका डेस्टिनेशन ऑपोजिट है बोथ कर रही है दैट्स दैसवाय मैं भी कर सकती हूँ अगर वो गलत है बिकॉज नार्कोलिप्सी में एक स्लीपी एनर्जी होती है एंड स्प्रेड गाइड कह रही कि आपका जागने का समय है ये सो बी प्रोएक्टिव एक्शन ऑरियंटेड एनर्जी कब तक आप स्लीपी रहेंगे कब तक आप इस अनकॉन्सियस एनर्जी के घेरे में रहेंगे कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज नथिंग सो स्परिचुअल नार्कोलिप्स जैसे धीरे धीरे इवेन कोई चीज जैसे आप कोई बिलीफ सिस्टम भी थोड़ी शेख सेकिए नजर आ रही है माइटियर आपके नेक्स्ट वीक में एंड अगेन किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें कोई फाइनेंस uh, स्कीम बहुत शॉर्टकट वे यू नो ऐसी फाइनेंस स्कीम को भी अवॉइड करें माइडियर एंड साइन करने से पहले सोच समझ कर करें एंड पर्टिकुलरली मुझे थोड़ी रथ लगने के जैसे कुछ नशा लगने के एक ही काम को रिपीटेटिव वे में ना करें क्योंकि ये होने की एनर्जी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन दिनों बहुत ज़्यादा लिपस्टिक जस्ट फॉर एग्जांपल लिपस्टिक परफ्यूम अच्छा सेल चल रहा है फिफ्टी परसेंट चल रहा है तो इसमें ख़रीद लेते हैं और आपको मालूम ही नहीं पड़ी है कि कितना हो चुकी है ऑलरेडी कितना है ऑलरेडी मेरे पास बट कंटिन्यूसली बिकॉज फिफ्टी परसेंट सेल चल रहा है तो सब ले ले, ले ले लेते हैं अब क्या पता कल को सेल चले ना चले, बट ज़रूरत क्या है तो यहाँ पर एक्चुअल में डिज़ायर और बेसिक नेसेसिटी इच्छाएँ और ज़रूरत ये हेल एवन डिफरेंस चीज़ है माइटी डियर तुम स्प्रेड गार्ड जैसा को कह रहे थोड़ी डिफ्रेंशिएट करो ये बहुत ज़रूरी है कितना है और क्या ज़रूरत है दिस इज स्परिचुअल नार्कोलेपसी मीनिंग ओके इट्स नॉट ए नेगेटिव एनर्जी थोड़ी एनालाइज करने के लिए कार्य जैसे थोड़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल मैथटिकल अप्रोच रखने के लिए कहा जा रहा है थोड़ी स्ट्रैटेजी रखने के लिए कहा जा रहा है ये एनर्जी मौजूद है नशा की क्योंकि आपको नशा लगा सकता है अच्छा यहाँ पर सेल चढ़ लेते ले हैं ले अच्छा वहाँ पर भी सेल चढ़ ले लेते ले हैं भाई कितना लेंगे उससे यहाँ पर मुझे थोड़ी जैसे ह्यूज अमाउंट में सेविंग्स नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में बचा कर रखी जाने की संभावना है ओके गेटिंग ओके लेट्स सी एनर्जी आपका भी ड्रेन नजर आ रही है ओके यस एडिक्ट कार्ड बट रिवर्स में आई है हेल्प यू रिकोगनाइज एंड कंफ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर बट रिवर्स में आई है मैं यहाँ पर देखूंगी दिस इज सैडो अस्पेक्ट सैडो एट्रीब्यूट्स कंप्रोमाइज इंटिग्रिटी ऑनिस्टी अलाउ एंड एडिक्टिव पैटर्न टू हैव अथोरिटी ओवर योर इनर स्प्रेट हो ऐसा कोई एनर्जी जो आपकी इनर स्प्रिट को दे सोए मैं आपको बोलती हूँ बिलीफ सिस्टम शे की है ये कर सकता है शेक कर सकता है आपके बेस को हिला सकता है नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में सेविंग्स को बचा कर रखिए वो कर रहा है मैं कर सकती हूँ नो यहाँ पर आप अपने बजट को देखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो गाड़ी खरीद रहा है मैं खड़ी दूँगी जब मेरे पास वो सफिशिएंट बैलेंस होगा मैं खरीदूँगी उस टाइम फ्रेम में अभी ज़रूरत नहीं सेल्फेरे फिर से आएंगे तो मौका फिर से आएंगे जब आपका इंटेंशन ट्रू होता है कुदरत भी मदद करते हैं डियर मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पूरे कायनात आपको इस चीज़ में से मिलाने के लिए मदद करते हैं शाहरुख खान के एक डायलॉग है मुझे याद नहीं है बट मैं मुझे जो एनर्जी आ रही है कि पूरी कायनात आपकी मदद करेंगे बट अभी हड़बड़ी ना करें एडिक्शन से बाहर आइए माई डियर कोई भी नेगेटिविटी है इवन सोशल शो, शो, मीडिया पे मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे 18 प्लस रीडिंग नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल पा रही हूँ आई होप यू अंडरस्टैंड कुछ एनर्जी में मुझे वो भी वाइब्स आ रही है आई एम रियली सॉरी टू से चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट कार्ड स्क्राइब एंड प्रिजर्विंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन या फ आई है इट्स गुड लिखिए माई डियर कुछ अगर पर्टिकुलरली जैसे कुछ गैदर करने की भी एनर्जी आ रही है कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की एनर्जी आ रही है पेपर कटिंग कर कर जैसे कोई पर्टिकुलर कोई अचानक से कोई सरप्राइज न्यूज जो बहुत टाइम से आपको जरूरत थी वो मिलने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो नजर आ रही है आप अ, कुछ सीख रहे हो टेक्नोलॉजी की फील्ड से स्क्राइफ एनर्जी वैसे एक स्क्रिप्टिंग की एनर्जी आ रही है नॉलेज गैदर करने की एनर्जी आ रही है डे टू डेली बेसिस में कुछ नॉलेज गैदर हो रही है एंड इट्स गुड फॉर यू मा डियर हमेशा याद रखिए अगर आप 10 मिनट बुक्स पढ़ते हैं ना तो 5 टू 10 परसेंट आप टेंशन रिलीज करते हैं ये मैं नहीं बोल रही ये साइंस बोल रहा है माय डियर पढ़िए रदर नेगेटिव इस एनर्जी से लीन रहने से अच्छा है कुछ नॉलेज इवन आप सोशल मीडिया पे भी, भी वो सीख सकते हैं मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया की एनर्जी आ रही है लिटरली कुछ व्यूअर्स सोशल मीडिया को बहुत पॉजिटिवली यूज़ करेंगे बिकॉज एडिक्ट टू रिवर्स में इट्स गुड आप पॉजिटिवली उसको यूज़ कीजिए डियर एंड डेफिनेटली आप नॉलेज गैदर कर पाएंगे आप कुछ करना चाहते हैं वो एंडशन क्रिप्चर से जुड़ी हो आ, धर्म से जुड़ी हो स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ी हो मंत्र से जुड़ी हो आपकी खुद की कैरियर सिलेबस से, से जुड़ी हो इस्तेमाल कीजिए मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए नॉलेज गैदर करता हुआ मुझे नज़र आ रही है थोड़ी इस एनर्जी से बाहर आई है रिवल रिवलियस एनर्जी इज़ गुड बट क्रिशन मून पर मत मत, मत बैठिए ये, ये एक्चुअल में आपको आप ख्याल है कि दुनिया में कैसल बना के फिरेंगे कि मैं किंग हूँ मैं क्वीन हूँ कहाँ है रियलिटी कहाँ है फ्री स्प्रिड बनिए इस इट्स गुड बट फ्री स्प्रिड बनने के लिए फ्रीडम जैसा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं जैसे स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो मतलब फ्रीडम नहीं होते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बट कॉलेज में होते हैं फ्रीडम है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जीवन का क्योंकि एक टाइम फ्रेम में आकर पेरेंट्स भी आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो फॉर साब चल क्या रहा है एक टाइम पे वो भी आपसे पूछेंगे वो टाइम ना आए अभी से शुरू कर दीजिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं कॉलेज में पढ़ते हैं जो कैरियर बिल्ड करने के टाइम है तो ज़रूर कैरियर पर थोड़ी फोकस दीजिए माइंडे फोकस आपका फोको पॉइंट कैरियर पे होना चाहिए डर सी ग्रैटिट्यूड आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रजेंट्स यस जो है जितना है बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में मत रहिए कि वो हो जाएगा ए खरीद लेंगे वो परफ्यूम खरीद लेंगे तो यहाँ पर जितना है उसके लिए नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें दिस इज़ चाइल्ड एनर्जी माइट इज सो ब्यूटिफुल मैसेज चाइल्ड इज़ एन बर्थ फर्टिलिटी की बात करते हैं इज़ अ वेरी गुड एनर्जी माइट चाइल्ड मीन्स चाइल्ड हुड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड चाइल्ड uh, में चाइल्ड को फर्टिलिटी एंड पर्टिकुलरली न्यू बर्थ में देखती हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट न्यू वेंचर न्यू अपॉर्चुनिटी एंड विद दिस लव तो लव में इस लव क्य यू फीट ओके दिस लव में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लव प्रपोजल हो सकता है माइड हेयर ओके लव प्रपोजल आने की कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप में प्रपोजल आने की संभावना है रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है बहुत टाइम से आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे वो अडिक्टेड थे किसी चीज़ में धीरे धीरे वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी जैसे वो एक फिल्टरेशन हो रही है नेगेटिविटी रिलीज हो रही है माइट हेयर लेट्स थैंक यू ओके ओके वर्गों मैनेजमेंट वर्गों डेकोरेशन घर सजाना घर की चीज़ के लिए घर सजाने के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करना एंड वर्गो एनर्जी में हेल्थ का भी एनर्जी होते है माइंड अपना हेल्थ का जरूर ख्याल रखिए मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बॉडी शॉडी बनाने के लिए जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे जिम या फिर कोई एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम इस टाइप के कुछ प्रोग्राम ज्वाइन करने की संभावना दिखाई दे रही कोई कोर्स करना योगा मुझे उस योगा यस योगा एंड कुछ व्यूअर्स की डेली रूटीन बहुत जैसे अलाइंट होने जा रही है माइडियर घर की घर के लिए कुछ चीज़ें शॉपिंग करेंगे घर डेकोरेशन के लिए घर डेकोरेशन करने के लिए थैंक यू मैं स्प्रेड का थैंक यू बैंकिंग फाइनेंस इंसोरेंस सेक्टर में मुझे थोड़ी जैसे आप कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बट थोड़ी सोच समझ के बिकॉज थोड़ी स्लिपी एनर्जी है लिबड एनर्जी सेवेंथ हाउस यस मैरिज This is okay. This is child and love energy and li with Libra is a seventh house contact business contract भी दिखाई दे partnership or business और koi new कोई न्यू प्रोजेक्ट कोई न्यू वेंचर कुछ इस टाइप की न्यू अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली वो बिजनेस रिगार्डिंग हो आपकी अभी जो चल रही है माई डियर आपने ऑलरेडी खोल कर रखा है बिकॉज वर्गो एनर्जी एंड विद दिस मतलब मूविंग फॉरवर्ड एंड बहुत सारी कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं माई बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिटी बढ़ रही है कम्युनिटी में जैसे बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड हो रही है इट्स गुड फॉर यू माईडिया इट्स लेट्स सी थैंक यू मैं स्प्रेड गाय थैंक यू सो मच ओपन आप मैं इसीलिए आपको बोल रही थी अब समय आ चुके कि आप जाग जाइए माइडिया कब तक इस सोल्यूशन में रहेंगे ओपन अप थोड़ी और फ्लेक्सिबल रहने के लिए कहा जा रही है थोड़ी जैसे आ, सोच जैसे कुछ करने से पहले बोलने से पहले दस बार सोचिए माई डियर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में थैंक यू सो थैंक यू सो मच कंट्रोल डोंट बी कंट्रोल्ड बाय सम आपके पास सब कुछ है डियर एंड मैं अगेन कह रही हूँ कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है डिवाइनली गाइडेड पर्सन है बट बिकॉज ऑफ फॉलिंग एंजल हियर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में तो एनर्जी इज़ वेरी स्लिपी तो स्प्रिट गाइड कर थोड़ी आँखें खुली रखो, आँखें को झुका कर नहीं खुलकर आँखें मतलब आपकी फाइव सेंसेस स्ट्रॉग होना चाहिए मैं अगेन कह रही मुझे बहुत खर्चा सेविंग्स इस पर थोड़ी ध्यान देने के लिए कहा जा रही है आप किसी के ऊपर सीक्रेट रखकर रख कर बैठे हैं माइड रिपीटेटिव मैनर में कुछ करते हैं सोशल मीडिया में उसको देखते हैं मुझे स्ट्रांगली कुछ उस टाइप की वाइफ सारे माइटर। है कंटिन्यूसली यू आर वॉचिंग ओवर दिस कंटिन्यूसली कंट्रोल दिस माइड हेड ये बहुत ज़रूरी है अब अब समय आ चुके है अपने आप को कंट्रोल करने की सीख एनर्जी समझ नहीं आ रही है क्या डिसीजन लेना है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं माइंड हेयर मेडिटेशन कर सकते स्प्रिड गाइड के साथ कनेक्शन को मजबूत कीजिए इस स्लीपी एनर्जी से अच्छा है कि आपकी सबकॉन्सियस माइंड स्ट्रांग हो जाए अनकॉन्सियस नहीं सबकॉन्सियस माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है स्लीपी एनर्जी में हमेशा ही इल्यूशन होती है भटकाव होती है गलत डिसीजन होते हैं माइंड हेयर बाद में जाकर उसको लेकर हम पश्चाताप करते जिस इज अ हर्मिट एनर्जी बट ये एनर्जी स्प्रिड गाइड वगैरह की जागो एंड मेडिटेशन कीजिए अपनी लाइफ रूटीन को बैलेंस कीजिए नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में माई ढियर लेट सी द वर्ल्ड कॉड गो टू द वूड्स टू मॉस टू मैट टू मैचिक स्प्रेड गाइड आपको दैट्स वाई द रिवियल एनर्जी कमिंग आउट ऑफ द केव और ब्रेक फ्री एनर्जी लंबे टाइम से हो सकते हैं माई डेयर आप एक इल्यूशन में थे जैसे एक चक्र व्यू में आप थे माई ढेयर तो धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल कर जैसे नोट बहुत थे माइडेयर लाइफ में जैसे बहुत सारे नोट थे ना आप उसको धीरे धीरे खोल रहे हो खोल रहे हो माइट डियर सो so, आपको जैसे वाइल्ड होने के लिए कहा जा रहा है माइट एयर एडवेंचरस होने के लिए कहा जा रहा है कब तक आपकी एनर्जी में वो पैसिव एनर्जी होगा माइट डियर स्लीपी एनर्जी होगा एंड जब तक ये एनर्जी मौजूद है तो अगर आप सोचते कैसे न्यू बिगनिंग्स आएंगे आप आप वेट करें न्यू बिगनिंग्स की बट जीवन को अगर आप धक्का नहीं मारेंगे तो जीवन तो वही रह जाएगा माइट डियर सी फ्यूचर यू मै ट्रैवल होस्ट एंड ओवरसीज ट्रैवलर सोन आई दर अट सोशल फंड एवर्ड्स यस सोशल फंड एवॉर्ड्स में इसीलिए आपको बोलते थे ओपन अप माई ढेर कॉन्टैक्ट्स बढ़ी है इन इवन ट्रेवल ओवरसीज ट्रैवल आ रही है इट कु पॉसिबल कि आप आउट ऑफ स्टेट जाए वो भी संभव है ट्रैवल की एनर्जी आ रही है माई ढेयर एंड फंड एवर्ड्स कोई सेलिब्रेशन आ रही है फ्रेंडशिप ए फ्रेंड नीड्स योर हेल्प योर काइंडनेस एंड एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक वाह तो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए तो मुझे लगता है आपकी ही काउंसलिंग ज़रूरत है आपको ही कोई मेंटर गाइड ज़रूरत है बट कुछ व्यूअर्स के लिए आप बहुत अच्छी तरह से किसी पर्सन की मदद करेंगे दिशा दिखाएंगे माइटर एंड आपकी वजह से उनकी जैसे वो ट्रैक पर आएंगे उनकी लाइव मिशन आर्थ पर्पज़ की वो ट्रैक पर आएंगे माइट हर कुछ व्यूअर्स में वो एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है सीख एनर्जी कोई आपके पास वो आ, सवाल के जवाब लेने के लिए आएंगे माई डियर एंड डेफिनेटली आपको मदद करना चाहिए थैंक यू थैंक यू मै स्प्रेड गाइड दिस इज ट्री लेट देम गो लेट देम गो वो जल चुका है कम्प्लीटली डिहाइड्रेट एनर्जी कुछ बचा नहीं है उस ट्री में कम्प्लीटली डिहाइड्रेट खत्म हो चुके माई डियर आप कहा जा रहे लेट देम गो क्योंकि फूल भी झड़ चुके हैं एंड वृक्ष भी जल चुका है है कुछ एनर्जी का पकड़ी हुई है माई टेयर इट कुड बी एडिक्शन और सम नेगेटिव थॉट पैटर्न और एनी पर्सन माइट एयर कोई पर्सन और उसकी मेमोरी है लेट दिम गो माइट हेयर थैंक यू एंड स्टार्स यू कैन मैनिफेस्ट योर एनर्जी विश मैं आपको बोल रही थी ना कि आप में वो सब कुछ है वो पोटेंशियल है एंड फ्री स्प्रिड फूल की एनर्जी आ रही है माई डियर तो आप में यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टेड जर्म आई एक्वरस की एनर्जी आ रही है यू आर ए वेरी वेरी गुड मैनिफेस्टेड आप सारी विश को लाइफ में फुलफिल कर सकते हैं ज़रूरत है आपको थोड़ी एक्टिव होना है थोड़ी इस ल्यूशन चक्रव्यू से बाहर आना है किसी ने चक्रव्यू रचा भी है शायद कुछ कुछ वो भी एनर्जी आ रही राजनीति तो उस चक्रव्यू से आपको बाहर आना है माई डियर थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर थ्री मैं मिलती नेक्स्ट रेडिंग पे गॉड ब्लेस यू